Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to make form in MS Access. MS Access में form कैसे बनाते हैं और इसका फायदा क्या है हमें इस बात को हम जानेंगे. चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ MS Access को ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पर टाइप करूँगा Access, Microsoft Access यहाँ टाइप करना है हमें. यहाँ पे लिखूँगा मैं Microsoft. तो यहाँ देखिए एम एस एक्सेस आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. इसको ओपन कर लेना है आपको और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं आप. क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा. इसके बाद आपको यहाँ डिज़ाइन व्यू पे जाना है और जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है वो यहीं पर आपको करना है. मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ और अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर आई डी आ रही है तो हम यहाँ पर स्टूडेंट आई डी कर देंगे. क्या करेंगे? स्टूडेंट आई डी. ठीक है, स्टूडेंट आईडी कर दिया हमने. इसको ऑटो नंबर रहने देते हैं. ये प्राइमरी की है, आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ प्राइमरी की क्या होती है. और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम एक टेक्स्ट डेटा टाइप होता है तो यहाँ टेक्स्ट रहने देते हैं. और यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस कर देंगे हम. ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे और एड्रेस भी एक टेक्स्ट डेटा टाइप है. यहाँ पे जाके आप डेटा शीट व्यू पे आएंगे तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ रहा है. मैं थोड़ा इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे ये शो हो रहा है. अब यहाँ पे हमें एंटर करना है. जो भी एंटर करेंगे यहाँ पे कर सकते हैं हम एंटर. फिलहाल हमें जाना है क्रिएट पे और जाना है फॉर्म पे. यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. यहाँ पे फॉर्म है, स्प्लिट फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म है और यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म डिज़ाइन है और यहाँ पर मोर फॉर्म्स दिख रहा है आपको. तो आप यहाँ मोर फॉर्म्स में भी जा सकते हैं. फिलहाल मैं फॉर्म्स पर क्लिक करता हूँ और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू में. ठीक है, पहले हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे कि हमारा फॉर्म दिखेगा कैसे. ठीक है, और जो यहाँ यूएन करके हमने नाम दिया था उसको हटा देंगे. यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड. ठीक है, ये लिख दिया हमने. अब आप चाहे तो इस पर कलर भी लगा सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप कलर चूज कीजिए और जो भी कलर आप लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर आ चुका है. अब यहाँ स्टूडेंट आईडी और ये सारे कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा. इसको थोड़ा यहाँ से नीचे कर लीजिए ताकि यहाँ अगर आप कोई बटन क्रिएट करते हो तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जाना है वापस से कहाँ, लेआउट व्यू पे. यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ लेआउट व्यू पर आकर के हमको फिर वापस फॉर्म व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे, ठीक है, जो आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे टाइप होता जाएगा. जैसे सपोज कीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है रमेश, तो यहाँ रमेश कुमार ये टाइप हो गया. ठीक है, इसके बाद इसका एड्रेस टाइप करना है आपको तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया. अब जैसे कि प्राइमरी की बात मैंने की थी, यहाँ पर जैसे ही मैं रिकॉर्ड से एंटर कर रहा हूँ यहाँ अपने आप ये आईडी यानी कि स्टूडेंट की आईडी देता जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है. ये देखिए न्यू ब्लैंक है. अगर अगला आपको रिकॉर्ड एंटर करना है तो न्यू ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से. तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगला नाम सूरज सिंह यहाँ पे देता हूँ मैं. ठीक है, टैप करता हूँ और एड्रेस देता हूँ राघव नगर देवरिया. ठीक है, ये दे दिया हमने. इस तरीके से करके हमको देना होगा. यहाँ पे नगर सही कर लेते हैं. तो ये इस तरह से. अब फिर अगर आपको अगला रिकॉर्ड एंटर कराना है तो फिर आप न्यू पे जाइए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रानी सिंह. ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया. ठीक है, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड एंटर कर दिया. अब जैसे चौथे स्टूडेंट का लेना हो तो यहाँ से आप रिकॉर्ड एंटर करा सकते हैं. क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा राहुल. ठीक है, और इसका एड्रेस है राम गुलाम टोला देवरिया. ठीक है, ये लिख दिया हमने. तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड एंटर करा सकते हैं. बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम फॉर्म बनाते क्यों हैं.
जबकि हमें अच्छा खासा डेटा शीट व्यू पे देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन व्यू में जाके डेटा शीट व्यू पे जब हम देखते हैं तो हमें अच्छा खासा एक व्यू मिल जाता है देखने के लिए। तो इसको बनाने के पीछे रीजन ये है कि हमारा फॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। अगर सपोज कीजिए, अगर आप लेआउट व्यू पे हम हैं ऑलरेडी, अगर डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है कि ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ये देखिए, ये इसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं। इसमें आप कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप अपने सुविधा के अनुसार इसमें कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया कलर, ठीक है, यहाँ पे भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म जो है कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें दिखता है। और यहाँ पे अगर इसका कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। तो इस वजह से हम बनाते हैं फॉर्म, ठीक है। आई होप कि फॉर्म बनाने का मतलब आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ सर्च करना है, जैसे आपके पास यहाँ तो मैंने चार ही रिकॉर्ड एंटर करे हैं, तो अगर मैं पचवा, छठवा और इस तरह का और भी रिकॉर्ड एंटर करूँ तो पहले हमें जाना होगा फॉर्म व्यू में। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अवनीश, एंटर करूँ तो पहले हमें जाना होगा फॉर्म व्यू में। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अवनीश, ठीक है, और न्यू कॉलोनी देवरिया यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, देन न्यू फॉर्म आ गया। टैप करिएगा तो न्यू फॉर्म अपने आप आ जाएगा, और टैप करके यहाँ पे आएंगे अमृत मिश्रा, यहाँ पे एक नाम और हमने दे दिया, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे राघव नगर देवरिया, ये दे दिया हमने। तो यहाँ पे चार पांच फॉर्म हमने बना लिए हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इनमें से आपको कोई एक खोजना है, कोई एक फॉर्म ऐसा है, कोई एक नाम ऐसा है जो आपको सर्च करना है। ये तो मान लीजिए 6 रिकॉर्ड हैं, इससे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो आपको कोई एक रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ नीचे नो फिल्टर के बगल में आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप आइए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि राहुल को सर्च करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आर टाइप करता हूँ मैं, RAHUL, तो देखिए राहुल हाईलाइट हो जाता है नीचे, आप देख सकते हैं ये राहुल नाम हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। आप, ये तो बात रही स्प्लिट फॉर्म की, अगर आप यहाँ पे फॉर्म व्यू में भी रहें या फॉर्म डिज़ाइन व्यू में जाकर आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म व्यू में, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी रहिएगा तो यहाँ पे भी बहुत ही आसानी के साथ आप यही काम कर पाएंगे। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि फॉर्म हम क्यों बनाते हैं। फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा डेटा और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाएगा, और इसमें और भी रिकॉर्ड्स आप एंटर करवा सकते हो जस्ट लाइक जैसे उसमें करवाते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।